एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 1/x-1 का होल स्क्वायर x+1 सॉल्यूशन अलाइट करेंगे 1/x-1 का होल स्क्वायर x+1 इक्वल्स टू a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 विच इज इक्वेशन नंबर 1 नो 1/x-1 का होल स्क्वायर x+1 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर x+1 एलसीएम आ जाएगा अब सिर्फ a वाली टर्म को अगर देखें तो डिवाइड में x-1 एलसीएम वाले 1x-1 से कैंसिल हो जाएगा तो a ब्रैकेट में x-1 x+1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर x-1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो प्लस b x+1 प्लस सी x+1 से कैंसिल हो गया तो सी के साथ आया x-1 का होल स्क्वायर अब लेफ्ट और राइट साइड से x-1 का स्क्वायर x+1 कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल आएगा a x-1 x+1 प्लस b x+1 प्लस c x-1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर 2 1 इक्वल्स टू a ये फार्मूला बनता है तो x²-1 प्लस bx+b प्लस c ये भी फार्मूला ओपन करेंगे x²+1-2x 1 इक्वल्स टू ax²-a प्लस bx+b प्लस cx²+c-2cx विच इज इक्वेशन नंबर 3 अब पुट करते हैं x=1 क्योंकि a के निचले का होता है ना x-1 उसको 0 के इक्वल रखें तो x आता है 1 के पुट x=1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 1=a 0+2b प्लस 0 1=2b b=1/2 नो पुट x=-1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 1=a 0+b 0 प्लस c -1 का होल स्क्वायर 1=0+0 प्लस c -1 कितना हुआ -2 का होल स्क्वायर 1=2 का स्क्वायर क्या होता है 4 c=1/4 बी की भी वैल्यू आ गई सी की भी वैल्यू आ गई अब वैल्यू निकालनी है हमने ए की तो ए की वैल्यू के लिए इक्वेशन 3 में x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इक्वल आएगा 0 के क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो x² मौजूद ही नहीं था इसलिए हमें उसकी जगह पे 0 लिखना पड़ा a प्लस सी की जगह पे आएगा 1/4 इक्वल्स टू 0 a इक्वल्स टू -1/4 नो पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट 1/x-1 का होल स्क्वायर x+1 इक्वल्स टू -1/4 डिवाइड में x-1 1/2 प्लस 1/2 बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 डिवाइड में x+1 इक्वल्स टू -1/4 x-1 प्लस 1/2 x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 x+1 आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल